बच्चे बिना पिता के अक्सर सुसाइड, ड्रग्स और जेल के शिकार हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं उनके जिनके ऊपर पिता का साया होता है। एज ए फादर, फिजिकली तो हम उनके साथ होते हैं, क्या इमोशनली और स्पिरिचुअली भी उनके साथ होते हैं? क्या अपने आप को छोड़कर वो बच्चों को वो सारी दूसरी चीजें देते हैं लेकिन खुद को नहीं? 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 75% बच्चे वो सब जान जाते हैं जो उन्हें जानना चाहिए। वो ये सब कहां से सीखते हैं? टीवी से, म्यूजिक आर्टिस्ट से या कहीं और से? क्या आप अपने बच्चे को अपना पूरा बेस्ट समय देते हैं जो देना चाहिए, या फिर कोई दूसरी चीजें? जवानी में बच्चे जो सीखते हैं आगे चलकर उन्हीं का उनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे पिता की क्वालिटीज ये है। जवानी में फिजिकली तौर पर बच्चों की रक्षा करना और गार्ड करना, और मैच्योर होने पर इमोशनली। वह अपने बच्चों की सुनता है, प्यार करना, गले लगाना या हाथ थामना एक माँ का ही फर्ज नहीं, एक पिता का भी होना चाहिए। माता पिता का होने का एहसास बच्चे को दिलाना चाहिए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इन सब का बहुत फर्क पड़ता है। खुद एग्जाम्पल बनकर बच्चों को सिखाना चाहिए। पिता की खुशी और उसकी मस्ती बच्चों के साथ होनी चाहिए, या फिर काम 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 बच्चों के साथ कोई खेलना हो तो एक पिता को बोरिंग बना देता है। वो फादर उनका एक हीरो होता है, और आपके बच्चे आप ही को देखकर जो कुछ करते हैं बड़े होते हैं। एक बात याद रखना, आपके पास सिर्फ एक ही चांस है अपने बच्चों के साथ एक अच्छी यादें बनाने का।